जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आमजन से जनसंवाद की बातें कर रही थी और आमजन की समस्याओं से रूबरू हो रही थी और जो लाभान्वित लोग हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रही थी। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का दावा कर रही थी, लेकिन बाहर का नज़ारा भी कुछ और ही था। खुद को बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष बताते हुए इस महिला ने आरोप मढ़े कि उसे बीजेपी कार्यकर्ता होने के बावजूद भी अंदर नहीं जाने दिया गया, पास नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो अपनी मांगे जो हैं, अपनी जो बात है, वो सीएम वसुंधरा राजे तक नहीं रख पाई है। आइए सुनाते हैं बाहर जो हंगामा हुआ उसकी कुछ तस्वीरें और कुछ बातें हैं जो आइए आपको रिपोर्ट। बंदा ने झलक दिखाओ अभी। मैं तो पहले बोलो, मेरी बात तो सुनो। मुख्यमंत्री का आज्ञा सुना गए आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मी देवी। अच्छा, दायित्व बीजेपी जिला उपाध्यक्ष भूतपुर है। अच्छा, अच्छा, और आप मैं तो मिलने आई। क्या समस्या रही आप जब आए? क्या आपको रिस्पांस मिला? रिस्पांस कुछ नहीं मिला। हमारे बीजेपी वाले जो ऋषि जी अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हमने तो बांट दिए और हम दे नहीं सकते हैं कार्ड कूट। अच्छा। अंदर जाने नहीं देते। हम तो वो मिलने आए थे, वसुंधरा जी से मिलने आए, चलो अपनी करके आए थे। मतलब आपका कहना का मतलब है कि बीजेपी पदाधिकारी या बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो नहीं है? पुराने वालों को तो प्राणी है, उनको कार्यकर्ता तो आप क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह से क्या बीजेपी दोबारा कैसे आएगी? कैसे आएगी कैसे? हम तो हाथ जोड़ के बीजेपी बनाना चाहते हैं। मोदी जी को देखे, अरे मोदी जी को आगे कैसे लाएंगे, कैसे अपना देश बन जाएगा? नहीं, जब आपका ऐसा हाल है तो आप अपने वोटर्स को कैसे प्रभावित कैसे करेंगे? ये बताओ, अरे हम देख लेंगे।